सुपाच्य भोजन को छोड़कर आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में फास्ट फूड के नाम पर लोग गरिष्ठ भोजन खाकर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिसे लेकर शनिवार को बीबीगंज स्थित वसुधा कल्याण आश्रम के सदस्यों ने आम लोगों के बीच सुपाच्य भोजन को लेकर जन जागरूकता अभियान सह खिचड़ी वितरण कार्यक्रम चलाया। इस मौके पर वसुधा कल्याण आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष के साथ साथ वसुधा कल्याण आश्रम के मीडिया प्रभारी पंडित हरिशंकर पाठक ने बताया कि आयुर्वेद में खिचड़ी का भोजन में बेहद महत्व है और शनिवार के दिन खिचड़ी खाने का क्या रहस्य है। उन्होंने बताया कि खिचड़ी शनिवार को खाने से ग्रहों की शांति होती है, साथ ही खिचड़ी भोजनों में सबसे सुपाच्य और उत्तम माना गया है। खिचड़ी को खाने के बाद उसको पचाने के लिए शरीर का कोई भी ऊर्जा खर्च नहीं होता है। वहीं फास्ट फूड के नाम पर लोग कुछ भी खा लेते हैं जो गलत है। आज तो हम सबसे पहले कहेंगे अपने महाराज जी को, वसुधा कल्याण आश्रम के द्वारा एक खिचड़ी का जो आयोजन कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे अध्यात्म के हिसाब से आज शनिवार दिन भी है और शनिवार को खिचड़ी खाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं एवं ग्रह बाधा जो है, विघ्न बाधा जो होता है उसका निवारण होता है। शरीर को भी इस खिचड़ी खाने से बहुत बड़ा महत्व है, स्वास्थ्य लाभ भी इसे विशेष मिलता है, इसलिए खिचड़ी शनिवार को खाना ही चाहिए। पंडित हरिशंकर पाठक, वह कल्याण परिवार, चूँकि वसुधा कल्याण आश्रम में जितने सदस्य हैं वो सभी कल्याण परिवार के सदस्य हैं, तो कल्याण परिवार समागम समारोह के नाम से हमने यह आयोजन किया है। और इसका जो पहला उद्देश्य यह है कि जितने भी हमारे परिजन हैं जो कल्याण परिवार से जुड़े हैं, और केवल जो यहाँ उपस्थित है वही नहीं, मैं चाहूँगा कि पूरी वसुधा में जितने लोग हैं वो सभी आज के बाद जो भी कार्यक्रम है उसमें धीरे धीरे जुड़ते जाएँ और अपनी सहभागिता किसी न किसी माध्यम से उपस्थित करें। और एक संघ का जो एक संघ शक्ति है वो दिखाई पड़े हमें, सनातन जीवन शैली को समृद्ध बनाने के लिए, उसे अपने परम वैभव तक पहुँचाने के लिए, तो इसी संदर्भ में हमने यह आयोजन किया है। आज खिचड़ी भोज का भी आयोजन है जिसमें कि सभी लोग खिचड़ी का आनंद उठाएंगे और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध करेंगे, क्योंकि खिचड़ी पचने में बहुत आसान होता है और जितने भी साधक गण होते हैं वो ज़्यादातर यह प्रयास करते हैं कि उनको जो भोजन मिले वो एकदम सुपाच्य हो, ज़्यादा मेहनत उनको पचाने में ना लगे। तो इसलिए हमने, और ये परंपरा तो हमारे यहाँ पहले से चली आ रही है लेकिन आज वसुधा कल्याण आश्रम के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। और खिचड़ी जो एक दिव्य प्रसाद के रूप में, एक भोजन के रूप में है, उसको भी हम लोग बहुत ही प्रसारित करेंगे कि उसकी उपलब्धियाँ, उसके जो गुण हैं उनसे लोगों को परिचित कराएंगे और ऐसे आयोजन हम निरंतर करते रहेंगे।